हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कार्तिक महीने में यदि आप किसी भी दिन इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करेंगी। यह उपाय दर्शकों आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाला है। कार्तिक महीने में यदि आप किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, कहीं तीर्थ स्थल पे नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में इस विशेष उपाय को जरूर करें। दर्शकों, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और सभी तीर्थों के फल की प्राप्ति मात्र इस उपाय को करने से आपको प्राप्त होगी। यह उपाय आपको कार्तिक महीने में करना है। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। दर्शकों, इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने का जो प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन आपके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजन की जाती है, आराधना की जाती है, और जिनके घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है उनके घर से माता लक्ष्मी कभी दूर नहीं होती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। तो यह उपाय आप जब करें दर्शकों, तो ध्यान रखिएगा, नहा धोकर स्वच्छ होकर आपको यहाँ पे लेना है मौली, और साथ में आप रुई भी ले लीजिएगा। इन दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दर्शकों आप मौली का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौली में जैसे सात कहीं कहीं पे धागे लगे होते हैं, कहीं पे आठ धागे बने होते हैं, कहीं पे छः धागे लगे होते हैं, तो उस हिसाब से दीप जलाना है। यदि आप दर्शकों रुई से कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से आपको दीप जलाना है। दर्शकों, रुई की 108 बाती आप बना लीजिएगा। पतली पतली आपको बाती बनानी है। 108 बाती जब आपकी बन के तैयार हो जाए तो आप उसे मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको सभी बातियों को इकट्ठा एक में कर लेना है। बाती थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उसके बाद आप एक घी का दीप लीजिएगा। एक दीप आप कच्ची मिट्टी का ले लीजिएगा, उसमें घी भरना है और सभी बातियों को आप उस घी में डुबो दीजिएगा। घी में डुबोने के बाद दर्शकों आप उसे किसी भी नारायण के मंदिर में या राम जी के या श्याम जी की या हनुमान जी के या शिव जी के मंदिर में आप इस दीप को कार्तिक महीने में प्रज्वलित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा दर्शकों, एक ही बाती में आपको यह दीप लगाना है। और यदि आप मौली से कर रहे हैं तो मौली में छः धागे होते हैं, सात धागे होते हैं, तो उसे आप अपनी उंगली के बराबर छोटे छोटे भागों में काट लीजिएगा। भागों में काटने के बाद उस धागे को गिन लीजिएगा। जैसे एक धागे में छः धागा लगा होता है तो दूसरा जब आप धागा लेंगे तो वो 12 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको गिनना है और गिन के 108 बाती बना लेनी है। 108 बाती को आप मिक्स करके एक कर लीजिएगा। एक करने के बाद आप उसे भी उसी घी के दीप की तरह शिव मंदिर में, नारायण मंदिर में या हनुमान जी की या श्याम जी के मंदिर में आप प्रज्वलित करें। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आपको देवी के मंदिर में नहीं करना है, यह उपाय आपको देवता के मंदिर में करना है। कार्तिक महीने में जो भी भाई बहन या विशेष उपाय कर लेते हैं उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।